चंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जणवछ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुअछि। उपस्थित भक्त वृंद समस्त को मुझाजोग प्रणाम जनाऊ। आज आम मैंने श्रवण करवा भगवान कर कथा श्रवण करे एवं भगवान कर सेवा पूजा करे तार कौन फल आम जी न जाणी शुणिकर मध्य भगवान कर कथा सुनवा तर सेवा पूजा करे कौन फल मिल तेणु वाल्मीकि रामायण रे गोटे सुंदर गल्प कथा सुनई। थे यही मर्त जगत रे जने राजा राणी थिले। राजा का नाम थिला सुमति, पत्नी का नाम थिला सत्यवती। किंतु से राजा राणी हेले मध्य तांको घरे सुंदर राम लक्ष्मण सीता हनुमान कर सुंदर मंदिर एवं राजा राणी हेले मध्य से माने चाकर को द्वारा सेवा करनथिले। निज हातरे बले सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बाचा सिवै कोंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिसु। तक निज हातरे महाप्रभुकर मंदिर मार्जन करथिले, निजर जिह्वा द्वारा भगवान कर सुंदर कीर्तन करथिले एवं कान देकर भगवान कर कथा सुनुथिले एवं चरण द्वारा भगवान कर मंदिर परिक्रमा करथिले। निज हाथ देकरी भगवान कर सुंदर सुंदर फूलमाला गुंतिकरी दियों को सी पिंधौले एवं अष्टजाम पति पत्नी भगवान कर भजन लगोथिले। बेसी समय हेले पति बसिकरी से वाल्मीकि रामायण कहते एवं राणी सत्यवती बसिकरी रामायण सुनुथिले एवं बेसी समय मिलले से माने माला नहींकरी भगवान कर नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भगवान कर नाम जप करथिले। जणे ऋषि थिले जहां कर नाम थिला विभांड ऋषि। एक दिन से आसीकर देखिले तांकर भक्ति देखिकर से आश्चर्य हो गले। बोले कौन राजा राणी हेकर मध्य सेवक को द्वारा सेवा करना थी, निज अष्टजाम निजर समस्त इंद्रिय देकर से भगवान कर सेवा करंकर मत कि भाव से भक्ति प्रति लोभित होती तेणु से निजे पचारे। बोले महाराज आपणकर मति बड़ बड़ साधु जीवन में भक्ति करवा जीवन देखा जाए आपण मत कि भाव में महाप्रभु चरण है। से कहले देख साधु बाबा शास्त्री कहते आपन भजन कथा न कह जता तथा अर्थ हूँ निजर भजन रथाटा को जहाँ कथांगे कहते तेनालीर ओडिया कहते ना हाटरे मध्य ब्रह्म ज्ञान। तेणु क्या कहवा दरकार जड़े जदि साधु जी आमर भाव को बुझे आम को सही भक्ति जगत जगत उत्साहित करेंगे केवल ताखे कहवा दरकार। जो देख ली जन साधु कहले साधु बाबा नियम हूँ साधु पाखे कपटता केवे हेले करती निज मन कथा खोलिकी कही दिंती एपर्यंत मुझे निजर मन कथा कहनी आपण साधु बोली जीवन प्रथम थे मो मन कथा कह मुझे जन जातिश्वर। जातिश्वर अर्थ हूँ पूर्व जन्मर कथा जार मन थाए मोर चारि जन्मर कथा मन अच्छे चारि जन्मर कथा बोले कौन कहते मु पूर्व जन्म रे मुझे शूद्र घर में जन्म ग्रहण कर समस्त प्रकार पाप कर्म मुझे बेश्यागमन चोरी मांस खाइबा मद्य सेवन करवा मोर यही दुष्कृति देखिकी आम परिवार मान आम घर बाहर करदे एवं मोर जे स्त्री सत्यवती से मध्य दुश्चरिता एवं से मध्य निजर पति को शिरच्छेदन करदे तांकर परिवार लोक मध्ये तां घर बाहर करदे आम दुई जन घर बाहरी
जंगल रे भ्रमण करी करी थरे दुई जन जब मिलल देखल एकाका जीवन बीतुनि तेणु दुई जन पति पत्नी रूप से आम मैंने रहीकि जीवन कटाऊ एवं जीविका निर्वाह मांस माछर द्वारा पशुपक्षी को मारिकी आम मैंने खाऊ जो आम दुई जन वृद्ध हो गलु आम मान पक्ष आहार संग्रह करने बहुत कष्ट होता किंतु आम जो स्थानी से पाखरे वशिष्ठंकर आश्रम थिला थरे आमे देखिलु किछि लोक सेठी एकत्रित होती आम मान देखिलु काही ए लोक माने एकत्रित होती आमे जाकर देखिलु सेठी राम नवमी एवं सेठी नौ दिन पर्यंत रामायण कथा हब जो माने से कथा श्रवण करिया पई आसीबे कथा परे समस्तंक पई प्रसाद रे मध्ये सेठी व्यवस्था हम बोले बोले वाह भलो कथा आस बस महाप्रभु को कथा सुन तापर प्रसाद मध्य मिल आम खाली प्रसाद लगे जाकि महाप्रभुकर कथा शुणुलु कथा शेष महाप्रभुकर प्रसाद पाऊ भाव नौ दिन बीतवापर जितने आम दुई जनकर मृत्यु हला जीव जे कर्म करे काय मन वाक्य द्वारा कर्म करे तेणु तीन टी जमदूत आसिक आम मान गलार काल फास लगे टाणी टाणी जमदूत को नहीं गले सेठी जम महाराज चित्रगुप्त को कहले चित्रगुप्त अर्थ कण चित्रगुप्त अर्थ अर्थ हूँ गुप्त मान गोपनीय भाव चित्र मान फटो नेवा अर्थ हूँ आम जहा कि कर्म करुचु चित्रगुप्त गोपनीय रूप से आम समस्त फटो गुड़ाक नौंती मरवापर से समस्त फटो बाहर करेंगे आम आम कर्म अनुजाई आम मान फल भोग करने को हम तेणु जम महाराज कहला खाता खोल केते पाप एवं केते पुण्य करिसेंती चित्रगुप्त जितने खाता खोलिले कहले जम महाराज ये तो दुई जन पापी ये तो बहुत पाप करिसेंती एवं एमान को परिवार माने दुखी होकर घर बाहर कर देले जम महाराज कहले किछु पुण्य भी तो थिबो देखो भलकरी जितने खाता खोली कर देखिले कहले हाँ आकर मध्ये गोटे पुण्य अछि राम नवमी समय रे वशिष्ठ आश्रम राम कथा होता ये दुई जन जाकर नौ दिन पर्यंत भगवान कथा श्रवण करपर भगवान प्रसाद पाई केवल एति पुण्य अच्छी एक शुणा संगे संगे जम महाराज आंकर समस्त पाप को आगे काटिदे काटिकी कहे आपको रमा बैकुंठ को पठे दिया हो सीए शहे वर्ष पर्यंत समस्त ऐश्वर्य वैभव को से भोग करतु शहे वर्ष बीतले पुणी आम दिज ब्रह्म लोक को आसलु सेठी मत अथा ऐश्वर्य को सेठी आम भोग करलु सेठी शहे वर्ष पूर्ण हेले पुणी स्वर्ग को आसिक इंद्र इंद्राणी हो स्वर्गर समस्त विषय को सेठी मध्य भोग करलु तापर शहे वर्ष शेष हेले एने मर्त जगत रे आम मैंने राजा राणी होकर जन्म ग्रहण करचु शहे वर्ष पर्यंत एठागार मध्य समस्त ऐश्वर्य को आम भोग करू तेणु मोर से चारि जन्मर कथा मोर मन अच्छी जदि न जाणी शुणिकी भगवान कथा श्रवण करी भगवान प्रसाद पाइले यदि एत फल हुए यदि आम दिज जाणी शुणिकी महाप्रभुकर सेवा करू महाप्रभुकर कथा शुणु महाप्रभु को श्रृंगार करू जदि करू तर नाम जप करू तर कथा शुणु तेल भगवान आमको कौन न दे तेणु आम दुई जन पति पत्नी राजा राणी समय को नष्ट न करी से भगवान कथा कीर्तन भजन रे आम मैंने ये जीवन टाक अतिवाहित करुचु तेणु कृष्ण गीतार निजे कहते बोले नेह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते साल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतमय कृष्ण कहते हे अर्जुन यदि मो पाई यदि कहीं टिके किसी कर टिके किसी मोपाई करते मु कौन करी महत भयात अर्थ हो जन्म मृत्यु भयर एम नित्य काल पाई मुक्त होकरी मोर धाम को से माने प्राप्त करती तेणु आपण मैने भगवान कथा शुणतु तर कीर्तन करतु ताक भोग लगे प्रसाद सेवा करतु जीवन में आनंद ही आनंद ही जीवन में प्राप्त हब बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।